और बहुत अच्छा लगा यहाँ की परफॉर्मेंसेस देख के, फैशन शो देख के, कितना टैलेंट है हमारी कंट्री में। बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं किसी भी इवेंट का, फंक्शन का हिस्सा बनती हूँ। एंड आई हैड अ ब्यूटीफुल इवनिंग, थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझे भी एक अवार्ड मिला है यहाँ पे। अवार्ड, मैं अवार्ड दे रही थी और अचानक से नाम अनाउंस होता है कि मेरा भी एक अवार्ड है, एंड इट फेल्ट सच अ स्वीट जेस्चर, थैंक यू सो मच। इससे पहले आपने मुझे 3-4 रीजनल फिल्म्स में देखा है, तमिल फिल्म में, तेलुगु फिल्म में, और अभी मेरी एक हिंदी फिल्म भ्रमरथ आने वाली है, और हाल ही में मैंने 2 कन्नड़ मूवी साइन की है, मैं उनका भी जल्दी ऑन क्लोज आने का इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी जो भी मेरे इस साल में, काफ़ी अच्छा साल गुजरा है अभी तक, क्योंकि जितने भी मेरे म्यूज़िक एल्बम आए काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसिंग गए, काफ़ी हिट गए, और मेरा सोशल मीडिया आप लोगों की वजह से आज कहाँ पहुँच गया है, आप लोगों के प्यार की वजह से, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाकई में मैंने जो मेहनत करी है, ओनली फॉर 2 मंथ मैंने इतनी मेहनत करी, आई वो सक्सेस हो गया वो जी। कितने लोगों को अवार्ड दिया गया और किन कैटेगरीज में दिया गया? काफ़ी बिल्डर्स, डेवलपर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, उस कैटेगरी में सबको मैंने अवार्ड दिया है और सबको मैंने सम्मानित किया है। आई होप किसी चीज की कमी नहीं हुई और बहुत अच्छे तरीके से ये इवेंट निकला है। किस तरह के सेलिब्रिटीज अगर आए उस बारे में, या किस तरह के बिल्डर्स, या किस तरह के कौन कौन लोग आए अगर उस बारे में? काफी मेरी गैदरिंग काफी आई थी, दिल्ली से भी कुछ लोग आए थे, सूरत से भी कुछ लोग आए थे, और अभी मेरा जो नेक्स्ट इवेंट है, मैं नीतू को, ये अपना नीलम कोठारी के साथ कर रहा हूँ। नीलम कोठारी मेरी गेस्ट है नेक्स्ट टाइम, और अपना 26 को मैं कर रहा हूँ इन विलेज में। थैंक यू सो मच फॉर मीडिया पीपल एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू, थैंक यू। मैं और सौरभ काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते थे, आज इस इवेंट में और हम लोग पहली बार मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो बहुत अच्छा लगा। अभी फिलहाल जाके इवेंट इंजॉय करती हूँ, फिर बताती हूँ कि सौरभ का इवेंट कैसा था मेरे लिए, और लेकिन फिर भी अरेंजमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा है सौरभ, इसी बहाने मिलना हुआ। इनका शुक्रिया करना चाहूँगा, हमारी हमेशा व्हाट्सएप कॉल पर बात होती रही है, पर लेकिन आज मेरा सौभाग्य खुला, जान कहीं से निकला आई डोंट नो, पर रियली थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अभी मेरे सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फिलहाल, तो अभी एमएक्स पे आ रहा है, अमेजोन पे आ रहा है, तो और बाकी तो जो चल रहा है Z5 वगैरह का चल रहा है, इवन इसके अलावा आई डोइंग तारक मेहता शो, वो कंटिन्यू चल रहा है, बाकी लेट्स सी, होप फॉर द गुड प्रोजेक्ट्स। सक्सेस इवेंट कब होता है? जब मेरे भाई आचार्य रहेगा, सूर्य रहेगा, रोहित रहेगा, कौन सर रहेंगे, तभी इवेंट सक्सेस होता है ना। उसके पहले इवेंट सक्सेस, उसके पहले इवेंट सक्सेस नहीं होता। तो थैंक यू सो मच अजय, रोहित, सूर्या, पवन सर, बाकी दो का तो मुझे नाम पता नहीं, लेकिन आप लोग के प्यार के आशीर्वाद से आज ये शो मेरा, सोलो सर का, दीपक भाई, राज खले सर ऑल्सो, अजय भाई, निकेश ताराचंद जी, और ऑल्सो हमारी जूरी, जैसे मेरी बहन है मोनिका सोनी है, फिर पल्लवी है ना, तो ये सबकी वजह से आज शो हमारा हिट होता है। टीम टीम होती ना तभी जीता जाता है, क्रिकेट मैच कब जीता जाता है, क्रिकेट में कब जीते, जब 11 लोग रहे थे, तो जूरी में ना बड़े 8-9 लोग थे लेकिन उन्होंने जीता दिया। तो इसी तरह प्यार और आशीर्वाद दो जिससे हम लोग आगे बढ़े, अच्छा अच्छा शो करें और हमारा नाम होए। बाकी ये मेरी बहन जूरी में थी, इसको पूछे इसका एक्सपीरियंस, ये मेरी बहन भी है, मेरी प्यारी बहन, टेल मी क्या कहेंगे मैम? मुझे शैलेश भाई के साथ बहुत दुख हो गया काम के लिए, उनको मिल गया एज अ, जैसे ये मैंने उनको भाई बोला, सच में मैं उनको भाई मानती हूँ, तो उनके वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा है, मीन्स वाइब्स बहुत ही अच्छे हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा आना चाहूँगी। हेलो, माई सेल्फ प्रीति, आई एम मॉडल एंड एक्ट्रेस, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सौरभ जी, शैलेश जी एंड दीपक जी, दे इन्वाइटेड किया, सो आई एम वेरी, थैंक यू सो मच। नया प्रोग्राम लाने वाले क्या कहना चाहेंगे? नया प्रोग्राम, सूर्या भाई दिल की बात कर ली तुमने, 26 मई जो मेरा अवार्ड हो रहा है, नाम के नीलम कोठारी, नीलम कोठारी के साथ कर रहे हैं होटल में, ग्रीन विलेज, हाँ ग्रीन विलेज मलाड विलेज में, रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको मिलेगा, उस पर आप कॉल करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, आना नहीं आए तो खाना खा पीना। नमस्कार टू एवरीवन, मैं डॉक्टर
महावीर की सुनों ने आज मुझे ये अवार्ड मिला है। ये डॉक्टर बी आर जी अम्बेडकर साहब इनका त्याग से प्रेरणा के लिए आज मैं सोशल वर्क का समाज सेवा का जो काम करता हूँ और आज मुझे ये जो आधा पुलिस का सोशल वर्क का अवार्ड मिला है मुझे बहुत खुशी हो रही है और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं शुक्रिया धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय महाराष्ट्र। वैसे दीपक चतुर्वेदी सर बहुत सालों से ये जो फंक्शन इवेंट कर रहे हैं और आज का इवेंट है वो भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है। सारे टीवी स्टार यहाँ आए हैं और अभी तो इवेंट हो ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है और बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी दीपक जी एनिमा इवेंट्स जिन्होंने हमें यहाँ पर शो में इन्वाइट किया है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मेरी टीम भी मेरे साथ आई हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मेकअप आर्टिस्ट का। थैंक यू सो मच आगे। थैंक यू। थैंक यू। पहले मैं दीपक जी को धन्यवाद देती हूँ, दीपक जी और सौरभ जी और हमारे शैलेश जी ने हमें इनवाइट किया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे ये अवार्ड मिला है उसके लिए उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और जैसे कभी भी करते हैं तो हम उनको ज़रूर इन्वाइट करते हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो ऐसे ही करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और मैं भी ऑर्गेनाइज़र हूँ, मैं भी अवार्ड शो करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने भारतीय मत अवार्ड शो किया था मिट्टी में और अभी नेक्स्ट मेरा जो है अवार्ड शो तो मैं सितंबर में करूँगी यू टाइटर इंडिया का, शायद आप लोग आओ मेरा अवार्ड शो। थैंक यू। और अभी मेरा रिसेंटली एक एल्बम लॉन्च हुआ था गॉड फादर क्लब में बी फॉर यूचर। बस आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रहेंगे हमारे ऊपर। बस थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक्स करूँगा मीडिया को कि आपके बिना जो है सारी चीज़ें अधूरा है और आज जो है दीपक जी को थैंक्स बोलूँगा, सौरभ जी को थैंक्स बोलूँगा, शैलेश जी को थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किए थे और अवार्ड से सम्मानित किए उसके लिए। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि इसका जो सो इसी तरह से हर साल ये करें और तरक्की करते रहे। थैंक यू। दीपक जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वेरी वेरी मच धन्यवाद दीपक जी और एवरीवन फॉर द कॉन्फ्यूजन एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा एक्सपीरियंस था जो शैलेश भाई दीपक सर सौरभ जी इन सब ने जो इवेंट लिया था, बहुत अच्छा इवेंट था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, जो हमारे बीच में फिलर्स थे मुझे तो वो भी इतने अच्छे लगे कि बच्चे आज ओल्ड सॉन्ग्स को भी इतने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत अल्टीमेट ये सॉन्ग था और मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से प्रोग्राम्स होनी चाहिए ताकि जो लेटेस्ट आती है गर्ल्स आती है वुमन्स आती है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। और यह सौरभ एंटरटेनमेंट रफ्तार न्यूज़ जो है हमारी और दीपक सर का जो एनिग्मा कंपनी है ये हम कितने समय से देखते आ रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे लोग काम करके लेडीज़ को अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। थैंक यू। मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर मुझे एज ए जूरी इन्वाइट किया गया था तो मैं उनको सौरभ जी को दीपक सर को शैलेश जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए जिसकी वजह से वो हमारे बीच में नहीं है बट लिटरली हमें मालूम नहीं था कि इतना अच्छा शो हो सकता है, इसके बावजूद भी हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। और मेरे ख्याल से लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ के रुकने से कोई चीज़ रुकती नहीं है, आई थिंक रुकने के बाद जो स्टार्टअप होता है वही मेन स्टार्टअप होता है लाइफ के अंदर। और मुझे बहुत खुशी है कि सौरभ एंटरटेनमेंट, आई एम MD ऑफ सौरभ एंटरटेनमेंट और मुझे बहुत खुशी है इस बात के लिए कि लाइफ के अंदर मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई ऑब्स्टिकल्स रोक सकते हैं बिकॉज़ ये मेरा पहला प्लेटफॉर्म था। आज मैंने पहली बार लाइफ में अपने आप को स्टार्टअप किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये स्टार्टअप मेरा बहुत सक्सेस भी रहा और बहुत अच्छा रहा। और जितने भी लोग थे यहाँ पर उन सबके योगदान से मुंबई रफ्तार एनिग्मा एंटरटेनमेंट जो हम लोग 2 महीने से मेहनत कर रहे थे आज वो सफल हुई है और आई एम वेरी हैप्पी